सर, राहुल गांधी की यात्रा जो हरियाणा में दूसरे कैसे चल रही है, उसको भी क्या कहेंगे? पहले फेसबुक की सेफ्टी पर काफी होते हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, अभी इनको कांग्रेस जोड़ने की और कदम उठाना चाहिए। भारत तो जुड़ा हुआ है, आज यूनियन ऑफ स्टेट्स है और इतनी मजबूती से प्रोग्रेस कर रहा है। और कांग्रेस की जो हालत है, तो आपने खुद ही कल चला रखा था कि शैलजा जी अलग प्रोग्राम बना रही है, हुड्डा जी अलग बना रहे हैं। जिस कांग्रेस में फूट इतनी है, आज मुझे लगता है कांग्रेस जोड़ने की जरूरत। खेल मंत्री संदीप सिंह अंडर इंक्वायरी है, चंडीगढ़ पुलिस भी और ममता सिंह आईजी की अध्यक्षता में कमेटी भी, दोनों उसको इन्वेस्टिगेट कर रही, और जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। जो लड़की आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि वो आपके पास भी कुछ वक्त पहले, मेरे पास कम से कम 4-5 महीने पहले वो आई थी, और उनने ये कहा था कि ऐसे आदेश दिए गए हैं कि मेरी प्रैक्टिस बंद कर दी। उस पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो पंकज ने है, उनको डायरेक्ट कर दिया गया था कि किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस ना रोका जाए, और वो रिज्यूम होगी थी। उसके बाद तो मेरे पास ना तो ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया, ना कोई मामला आया। इंक्वायरी तो पुलिस करेगी, और मेरे ख्याल से खिलाड़ी की भी यही मांग है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे, और मुझे लगता है चंडीगढ़ पुलिस भी निष्पक्ष है, और हरियाणा पुलिस की भी बड़ी सीनियर आईपीएस ऑफिसर ममता सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। लास्ट क्वेश्चन है, सीएमआई के जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के, मेरे को एक चीज तो बताओ, दैनिक भास्कर तो राजस्थान को सबसे बेरोजगार मानता है, दैनिक जागरण मध्य प्रदेश को सबसे बेरोजगार मानता है। सीएमआई एक ऐसी एजेंसी कैसे हुई जो दोनों अखबारों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा को पिछले 2 साल से बेरोजगार बनाएगी? आज आप भी हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, आपको हरियाणा में रोजगार मिला हुआ। कोई हमारे यहाँ से फैक्ट्री बंद होकर नहीं गए, नए निवेश प्रदेश में आए हैं, पर मुझे लगता है कि सीएमआई का हरियाणा प्रदेश से कुछ विशेष प्यार है, और ये सीएमआई कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं, कांग्रेस की एजेंसी है जो हरियाणा को बदनाम करने का प्रयास। सर, आखिरी सवाल है, जो विभागों के बदलने की बात आ रही है, कृष्ण चौटाला कुछ विभाग कम थे, नॉर्मल जो पिछली कैबिनेट हुई थी उसके अंदर डिसीजन लिए गए थे कि 3-4 ऐसे महकमे हैं जिनको अब खत्म करके दूसरे महकमों में शिफ्ट किया जाएगा, और उसके अंदर अनूप जी का जैसे एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, ये सारे कौशल विभाग एक बनाया जाएगा। उसी तरीके से तो रंजीत सिंह जी का पावर है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको मर्ज करके ऊर्जा विभाग।